So hello guys and welcome back to Shrujal is live. We are back with another tech review video, this time with Google Pixel 6. ये जो फ़ोन है वो अभी तक लॉन्च तो नहीं हुआ है बट इसकी रेंडर्ड इमेजेस और स्पेसिफिकेशंस गूगल ने ऑफिशियली अपने यूजर्स को बता दिए। कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ लॉन्च होने वाला ये फ़ोन, तो आप प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए ताकि आपको इन सभी फीचर्स की जानकारी हम इन डिटेल दे पाए। इसमें जो एक न्यू और स्पेशल चीज़ ऐड की गई है वो है इसकी टेंसर चिप। अब आप पूछोगे कि भला टेंसर चिप क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि टेंसर एक AI पावर चिप है जिसे गूगल ने लगभग अराउंड 2015 के अराउंड डेवलप किया था। इसे डेवलप करने के पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे, जैसे कि गूगल वांटेड दैट ऑल द AI रिलेटेड टास्क कैन बी परफॉर्म ऑन दिस चिप, लाइक पर्टिकुलरली ऑन दिस चिप। दूसरा और जो मेन रीज़न है कि पिक्सल सीरीज 5 तक जो चिपसेट आते थे वो होते थे क्वालकॉम के। अब क्वालकॉम अपने प्रोसेसर को मैक्स टू मैक्स 2 to 3 ईयर्स तक ही ड्राइवर सपोर्ट देती है, और जब तक ड्राइवर सपोर्ट मिलेगी गूगल भी सिर्फ तब तक ही अपने डिवाइसेस को एंड्रॉयड अपडेट्स दे सकती है। अब एक बार जो ड्राइवर सपोर्ट बंद हो गया तो गूगल अगर चाहकर भी एंड्रॉयड अपडेट्स देना चाहे तो नहीं दे सकती। अब गूगल का मेन मोटो ही था अपडेट्स, वो तो ये खेल ही खेल रहे थे अपडेट्स पे। वो अपने जो डिवाइसेस लॉन्च कर रहे थे वो उन पे बोल रहे थे कि वी विल प्रोवाइड यू अपडेट्स टिल 4 years or 5 years, तो इसीलिए गूगल ने लॉन्च कर दी अपनी टेंसर चिप। अब ये जो टेंसर चिप है उनमें गूगल मैक्स टू मैक्स 5 to 6 ईयर्स तक अपडेट दे सकते हैं ताकि यूज़र को एक न्यू यूज़र एक्सपीरियंस मिलता रहे ईयर बाय ईयर। पर्टिकुलरली ये चिप की बात करें तो ये आपको लगभग स्नैपड्रैगन 870 जैसी परफॉर्मेंस देगी। इसमें जो GPU है वो है एक्जीनोस 2100, ये सेम GPU सैमसंग S20 अल्ट्रा में आया था। गूगल ने ये फ़ोन पर्टिकुलरली AI को मेन रेफरेंस रख के बनाया है। इससे फ़ोन को इमेज प्रोसेसिंग जैसी कई चीज़ों में हेल्प मिलेगी और साथ ही में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। गूगल पिक्सल 6 में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 12, जो कि अब तक का सबसे लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है। इसमें गूगल ने प्रोवाइड किया है 50 मेगापिक्सल का कस्टम इमेज सेंसर, और साथ ही में दी गई है 12 मेगापिक्सल की एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें दी गई है 4K सपोर्ट विद बोथ 30 and 60 FPS अवेलेबल। सेल्फी कैमरा की बात करें तो दिया गया है इसमें 12 मेगापिक्सल का एक सिंगल लेंस जो कि 1080 पिक्सल पे 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें कैमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है विद 90Hz डिस्प्ले रिफ्रेश रेट। फ़ोन के साइज़ की बात करें तो वो रहेगी अराउंड 6.4 इंच की और रिजोल्यूशन होगी 1080 x 2340 pixels। साथ ही में इसमें स्टीरियो स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं। एक चीज़ जो आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगी वो है 3.5mm का जैक। हाँ जी, गूगल ने अपने पिक्सल 6 सीरीज़ में 3.5mm का जैक हटा दिया है। इन शॉर्ट, गूगल ने AI और टेंसर चिप दोनों को मिला के यूज़र को एक अमेजिंग यूज़र एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है, चाहे वो हो इमेज प्रोसेसिंग की स्पीड, फ़ोन का परफॉर्मेंस या रेगुलर इंटरवल अपडेट्स। गूगल ने सारे एरियाज़ को कवर करने की पूरी कोशिश की है अपने गूगल पिक्सल 6 सीरीज़ के द्वारा। बट गाइस, गूगल ने अभी तक इसकी लॉन्चिंग डेट अनाउंस नहीं की है, बट मेरे हिसाब से और जो र्यूमर्स है इसके हिसाब से नेक्स्ट 1 to 2 months में गूगल अपने पिक्सल 6 को लॉन्च कर देगा मार्केट में। सो गाइस, ये था मेरा एक छोटा सा गूगल 6 सीरीज़ पर रिव्यू। तो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना मत भूलिएगा। मैंने अभी मेरी ये चैनल शुरू की है, तो आपके एक लाइक से मुझे और भी इंस्पिरेशन मिलेगा ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ और अपडेट्स आपको लगातार दूँ। टेक रिव्यूज़, ब्लॉगिंग या फिर जो भी कॉन्टेंट होगा मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर बींग स्टेइंग विथ मी टिल एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टेक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड टाटा, बाय बाय।